भूतों का अस्तित्व शुरू से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत से लोग इस पर यकीन करते हैं तो बहुत से लोग नहीं, जिसमें कि भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग भूतों पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में अब लोगों को लॉजिक चाहिए, जो सही भी है, क्योंकि ज्यादा केसेस में भूत केवल डर की वजह से ही होते हैं। माना जाता है कि जिसे भूतों से ज्यादा डर लगता है उसे भूतों के अस्तित्व पर उतना ही यकीन होता है और उसे भूत दिखाई भी देते हैं। ये उसके दिमाग का बनाया हुआ एक वहम भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वाकई उसने एक्सपीरियंस किया हो। आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जो भूतिया रेलवे स्टेशन माने जाते हैं। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि भारत के कुछ रेलवे स्टेशन है जहां पर भूतों को देखे जाने की घटना कही गई है। लेकिन आज हम बात करेंगे विदेशों के बारे में। काफी लोगों ने कमेंट किए थे कि भूत हमेशा इंडिया में ही क्यों होते हैं, विदेशों में क्यों नहीं होते, वहां के लोग इसे क्यों नहीं मानते। तो आज मैं ऐसे ही इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर आप लोगों को दुनिया के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊंगा जो कि भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हैं। नंबर 1, बीशान MRT स्टेशन, सिंगापुर। सिंगापुर का ये स्टेशन सबसे ज्यादा फेमस है। इस स्टेशन को बीशान टैंक की कब्र पर बनाया गया था। इस स्टेशन का उद्घाटन 1987 में किया गया था और अब 1990 की बात है। एक दिन ट्रेन से उतरी एक महिला को यह एहसास हुआ कि उसे किसी के हाथों ने घेर लिया है और वहीं दूसरी तरफ यहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी पटरी पर ताबूत चलता हुआ दिखाई दिया है और कुछ लोगों को तो यहां पर किसी के चलने की आवाजें भी सुनाई दी हैं। इसी कारण से लोगों ने यहां आना जाना बंद कर दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। जो यहां पर गया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा वही इस बात को बता सकता है। मैकवेरी फील्ड्स ट्रेन स्टेशन, ऑस्ट्रेलिया। मैकवेरी फील्ड्स रेलवे स्टेशन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के दक्षिण पश्चिम न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देर रात को एक जवान लड़की का भूत घूमता नजर आता है और कुछ लोगों ने तो इसके चिल्लाने की आवाजें भी सुनी। गवाहों की माने तो वह खून से लथपथ दिखाई देती है और जोर जोर से डांस करती है। अब यह पूरी सच्चाई जानने के लिए उसका डांस तो देखना ही पड़ेगा। नंबर 3, पेंटियोनेस मेट्रो स्टेशन, मैक्सिको। ये स्टेशन दो कब्रिस्तान के पास बना है। पेंटियोनेस और टैकुबा स्टेशनों के बीच सुरंग से जब ट्रेन गुजरती है तो दीवारों पर भूतों द्वारा दस्तक दी जाती है। जब कोई भी इसके पास जाने की कोशिश करता है तो वह गायब हो जाता है और ट्रेन इंजीनियरों को हमेशा एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। शायद इस भूत के पास मिस्टर इंडिया वाला कोई गैजेट हो जिससे कि यह दूसरों को भी गायब कर सकता है। नंबर 4, ग्लेन ईडन रेलवे स्टेशन, न्यूजीलैंड। ये स्टेशन पश्चिम ऑकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित है जो एक कब्रिस्तान के पास है। 11 जनवरी 1924 को स्टेशन पर काम करने वाले एक वर्कर एलेक मैकफार्लेन की उस समय मौत हो गई थी जब एक गुजरती ट्रेन का हुक उसकी आंखों में घुस गया था। तभी से इस वर्कर की आत्मा प्लेटफॉर्म पर मंडराती रहती है। वो हमेशा ग्रे रंग के कोट में नजर आती है जो कि वर्कर का ड्रेस कोड था। नंबर 5, वाटरफ्रंट स्टेशन, कनाडा। कनाडा का गेस्ट टाउन में बना वाटरफ्रंट स्टेशन को 1915 में बनाया गया था, लेकिन अब स्टेशन को शहर की सबसे डरावनी जगहों में माना जाता है। 1920 के दौरान स्टेशन के गार्ड को प्लेटफॉर्म पर एक महिला डांस करती नजर आई। जैसे ही उसने उस महिला के पास जाने की कोशिश की वो अचानक गायब हो गई। इसी तरह से अन्य कर्मचारी को भी सफेद कपड़े में एक महिला डांस करती नजर आई। इसके बाद से यहाँ लोगों ने आना जाना बंद कर दिया है। आजकल मानना पड़ेगा भूतों को भी डांस ज्यादा पसंद है, चाहे वो इंडिया हो या फिर अमेरिका। नंबर 6, यूनियन स्टेशन, फिनिक्स, USA। 1950 तक ये स्टेशन सिटी का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता था, लेकिन सिटी के एयरपोर्ट बन जाने के बाद इस स्टेशन को 1955 में बंद कर दिया गया। इसके बाद यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी को स्टेशन पर चहलकदमी करता भूत दिखाई दिया था। स्टेशन की देखरेख करने वाले डूडले वेडन का कहना है कि एक दिन अचानक किसी ने उसके सिर पर मारा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। नंबर 7, कोनोली स्टेशन, आयरलैंड। इसे आयरलैंड का सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता था, जिसे 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बम से उड़ा दिया गया था। 2011 में दोबारा इस स्टेशन को तैयार किया गया, लेकिन इस स्टेशन पर एक सैनिक का भूत हमेशा चलता दिखाई देता है। बाद में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। नंबर 8,
एडिसकॉम्बी रेलवे स्टेशन, इंग्लैंड। ये रेलवे स्टेशन 2011 में गिरा दिया गया था क्योंकि 1900 के प्रारंभ में इस लाइन पर एक ट्रेन ड्राइवर मारा गया था। मरने के बाद यहाँ पर लोगों को अक्सर उस भूत की धुंधली सी परछाई नजर आती है और माना जाता है कि जब ये स्टेशन तोड़ा गया तब भी इसकी परछाई दिखाई दी गई थी। नंबर 9, काउबाओ रोड सबवे स्टेशन, चीन। संघाई का ये रेलवे स्टेशन एक समय बहुत ज्यादा मशहूर था, लेकिन अचानक इस स्टेशन से लोग गायब होने लगे। प्लेटफॉर्म पर चलने वाले 9 लोगों की अचानक मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि एक हाथ आता है और लोगों को मार देता है। कहते हैं कि एक लड़की ने यहाँ आत्महत्या की थी। इसके बाद रोज रात को उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें स्टेशन पर सुनाई देती हैं। और कुछ लोगों ने जब अपना एक्सपीरियंस सुनाया तो इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन जहां पर माना जाता है कि भूतों का निवास है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इन चीजों को मानते हैं या नहीं। और अगर आप कभी भी इन स्टेशन पर गए हैं तो शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो ये हो सकता है लोगों का वहम भी हो, क्योंकि मेरा छोटा सा लॉजिक ये कहता है आत्मा जो होती है वो एक एनर्जी होती है और एनर्जी देखी नहीं जा सकती। लेकिन उन लोगों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जिन्होंने रियल एक्सपीरियंस किया है, और ये भी हो सकता है कि ये उनके दिमाग की बनाई हुई क्रिएशन हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज कोई कॉमेंट में अब्यूज ना दें। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर तरह की नॉलेज वाली वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel.